हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के ऊपर रीडिंग। देखेंगे उनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा। गाइस, ये रीडिंग सभी के लिए होगी। आप मैरिड हैं, सेपरेशन में चल रहे हैं, जो कि ऊपर वाला जल्दी ख़त्म करवा दें। आप सिंगल हैं, आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो ऊपर वाला जल्दी ही आपके पार्टनर से आपकी शादी करवा दें। आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आप ऊपर वाला जल्दी ही आप दोनों को हमेशा के लिए मिला दें, ठीक है गाइस। गाइस, ये जर्नल रीडिंग होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने आएगी, आपके साथ रेजोनेट जरूर करेगी। सारी स्टार साइंस के लिए होगी ये रीडिंग, ओके। तो आप लोग सभी ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है गाइस, ओके। और चलिए, हम हमेशा के लिए दुआ कर लेते हैं। जितने भी हस्बैंड वाइफ हैं, ऊपर वाला जल्दी उनको एक कर दे। सभी के लाइफ से नेगेटिविटी चली जाए, थर्ड पार्टी हमेशा के लिए दूर हो जाए। जितने भी सिंगल्स हैं, उनकी फैमिली उनकी शादी के लिए नहीं मान रही है, तो ऊपर वाला जल्दी ही उनकी शादी उनके पार्टनर से करवा दे। फैमिलीज की मर्जी से सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए। जितने भी बीमार हैं, ऊपर वाला सभी को अच्छी हेल्थ दे, अच्छी सेहत दे, लंबी उम्र दे। जितने भी लोग हॉस्पिटल में, ऊपर वाला उन सभी को अच्छी लंबी उम्र दे। सभी को घर पे लेके आए खुशियों के साथ। सबकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज ख़त्म हो जाएं। ऊपर वाला सभी को अपना पर्सनल घर दे। सभी के ऊपर, जिसके ऊपर भी लोन की ईएमआई या कर्जा है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाए। सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए। चलिए ठीक है, ओके। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल मेटाडोन, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल जेम्फुल, आर्कएंजल यूरियल, हमारे व्यूअर्स के लिए, उनके पार्टनर जल्दी एक्शन लें, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए। उन सबके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बना के रखिए। हम लोगों से जाने अनजाने में ऊपर वाले के लिए कुछ भी बोल देते तो हमें माफ़ कीजिए, और हमें बताइए कि उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ओहो, जल्दी में है आपके पार्टनर भी। द हर्मिट के, टू ऑफ वेंट्स, पता नहीं किसी के पार्टनर, ओके ओके ओके, अपने आप आ रहे हैं गाइस कार्ड्स, पता नहीं क्या है, लेकिन जो भी है चलिए बहुत ही अच्छा है। ब्यूटीफुल एनर्जी भाई, बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है। मुझे ध्यान भी नहीं गया था कौन सा कार्ड मैं कहाँ रख रही हूँ। ओके, अब हम सिर्फ बॉटम की एनर्जी लेंगे। किंग ऑफ वेंट्स, आपके पार्टनर पावर में आएंगे, नहीं बोलते थे तो बोलेंगे, स्टैंड लेंगे आपके लिए, ओके, ठीक है गाइस। यहाँ पर है एट ऑफ पेंटिकल्स। आपके और आपके पार्टनर की सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक थी। कुछ टाइम पहले सारी चीज़ें पॉजिटिव थी, रिश्ता बहुत अच्छा था। अचानक से कोई एक चीज़ ऐसी हुई जिससे आप दोनों के अंदर दूरियाँ बन गई। दूरियाँ बनी तो अब आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं। आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है। आपको डर है कि कहीं आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ जाएं, लेकिन आपके पार्टनर पूरी तैयारी कर रहे हैं वापस आपके पास लौट कर आने की, ठीक है गाइस। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होगा। बहुत छोटा सा टाइम रह गया आपकी दूरियों का। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग काफ़ी दिनों से काफ़ी सालों से वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का, ठीक है गाइस। अच्छा, मेरे को एक चीज़ याद आई, आप लोग मुझसे कमेंट में पूछते हो मैम आपसे किस तरह बात हो सकती है या पर्सनल रीडिंग के लिए, तो गाइस डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स दे देती हूँ, वहाँ मुझे मेल कर सकते हैं और स्काइप के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं ये हमेशा कहना भूल जाती हूँ। आपके पार्टनर बहुत तैयारी में है पूरे तरीके से। वो जो एक कमी रह गई थी आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर उस कमी को पूरी करने की तैयारी कर रहे हैं। ये पेंटिकल यहाँ लगेगा और आपकी पूरी लाइफ अच्छे से गुजरना शुरू हो जाएगी, नेगेटिव चीज़ें दूर हो जाएंगी। आज मैं कार्ड्स ऐसे पढ़ना चाहूँगी क्योंकि इस कार्ड के नीचे सारे कार्ड एंजल्स ने अपने आप यहाँ पे दिए हैं। तैयारी कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके पास वापस आने की। आपको आप जितना प्यार पहले था या आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ते में कमी रह गई थी उसको पूरी करने की। इस वक्त देखा जाए तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपको 222 222 या 22 बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। आप लोग बहुत अच्छी जर्नी में हो सकते हैं, और अगर आप किसी भी जर्नी में हैं, मतलब आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं और आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है आपकी आपके पार्टनर की, तो थोड़ी दूरियां बनता है, थोड़ी सी नेगेटिविटी इस जर्नी में होती है, इसलिए आप परेशान मत हो। टू ऑफ कप्स का कार्ड है, इसलिए आपके पार्टनर आपके पास आने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो इन कार्ड्स को मैं वापस यहाँ रखती हूँ, और मुझे ऐसे लग रहा है आज मेरी डेक के ऊपर कुछ तो एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। सब कुछ इस डेक पर बहुत अच्छा हो रहा है,
और मैं हमेशा चाहूँगी कि आपके पार्टनर जो हस्बैंड वाइफ हैं वो जल्दी एक हो जाएं, सबकी लाइफ से प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं। अगर किसी की फैमिली में कोई बीमार चल रहा है ऊपर वाला उसको अच्छी हेल्थ और लंबी उम्र दे, और जॉब नहीं है तो जॉब लग जाए, फाइनेंशियल इश्यूज बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। ठीक है गाइस, तो ये कार्ड हो गया है। आपके पार्टनर तैयारी कर रहे हैं आपको प्यार लौटाने की, आपके पास वापस आने की। अब द हर्मिट के नीचे आता है द टावर। आप लोग सोच सकते हैं ये कार्ड आपके पार्टनर किसी इंसान से बातचीत कर रहे हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, टावर मूवमेंट ख़त्म करना चाहते हैं आपके पार्टनर खुद। अब आप लोग या तो मेडिटेशन कर रहे हैं या कुछ तो ऐसी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, या अपनी पुरानी चैट्स को पढ़ते रहते हैं आप लोग, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करते रहते हैं, फोटोग्राफ देखते रहते हैं। अगर मैनिफेस्ट करना नहीं आता है तो आपके पार्टनर किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहे हैं। थर्ड पार्टी निकला है मतलब थर्ड पार्टी को ये बता दिया आपके पार्टनर ने कि आप उनके पास जा रहे हैं, उनके पास लौट कर आ रहे हैं, आप उनको छोड़कर आपके पास लौट कर आ रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी को भी आपके पार्टनर ने कह दिया हो। आपके पार्टनर जानते हैं कि आप ही उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आए थे। द टावर मूवमेंट थर्ड पार्टी के साथ आके आपके साथ बातचीत होगी, आपके साथ टावर मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा। इसी सब चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर किसी अपने फ्रेंड से, किसी फैमिली मेम्बर से, किसी से बातचीत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब आप दोनों के बीच में कोई एक ऐसा इंसान है जो नेगेटिविटी फैला रहा था, उसको तो जाने दीजिए। एक कोई पर्सन है जो आप दोनों को एक करने का काम ज़रूर करेगा। आपके पार्टनर उस पर्सन से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है गाइस। और आपके पार्टनर खुद अब इस टावर मूवमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं आपसे। यहाँ पर अब हमारे पास आया है टू ऑफ वेंड्स एंड थ्री ऑफ वेंड्स। आप दोनों सोशल मीडिया पे हो सकता है मिले हों, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, किसी ने तो एक दूसरे को अब तक देखा नहीं है, अब तक सिर्फ आप लोगों की सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप या कॉल पर ही बात हुई है। आपके पार्टनर अगर वो मेल हैं आपके पार्टनर तो आपके पास मिलने के लिए आ सकते हैं, आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं। अगर आपके पार्टनर फीमेल हैं, अगर ब्लॉक कर रखा था तो आपको कह सकती हैं कि मतलब कुछ पॉजिटिव रिस्पांस दे सकती हैं आपको। आप मेल हैं तो आप मिलने जा सकते हैं उनसे, ठीक है। अगर वो फीमेल है तो ऑब्वियस है कि वो अपनी सिटी छोड़कर आपके पास नहीं आएंगी, वो आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं। अगर आप दोनों एक ही सिटी में हैं, अब तक एक दूसरे को आमने सामने नहीं देखा था, तो आप दोनों का एक दूसरे के साथ आमना सामना हो सकता है। आपका जो भी रिश्ता है एक स्टेप आगे जा सकता है, वो जो एक कमी थी आपके रिश्ते की वो पूरी हो सकती है। अगर आपके पार्टनर आप मैरिड हैं, आपसे नाराज थे, आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, तो आप दोनों के बीच की गलतफहमियां ख़त्म हो सकती हैं, और जो एक कुछ कड़ी थी जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, वो कमी पूरी होकर वो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। यहाँ पर वेंड्स की एनर्जी जो भी कुछ होगा बहुत जल्दी होने वाला है। वो आपके पार्टनर आपसे मिल सकते हैं, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर आपसे मिलेंगे, आप दोनों का आमना सामना होगा, या तो आप दोनों की फैमिलीज भी मिल जाएंगी, और आप में से किसी को 555 या 555 दिख रहा होगा। आप दोनों का मिलना हो सकता है बहुत जल्दी, ऊपर वाला जल्दी ही मिला दे आप दोनों को। अगर आप लोगों ने ऑनलाइन डेटिंग भी किया तो ऊपर वाला जल्दी मिलाए आप लोगों को। एक बार हम एनर्जी ओरिकल डेक से भी देखेंगे कि और क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिमाग में। आपके पार्टनर की एनर्जीज ना मुझे यहाँ पे बहुत उलझी हुई नज़र आ रही हैं। वो इतना उलझे हुए हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी बातों में, कि जब आप उनके साथ बात करते होंगे ना, आपको भी उलझा देते होंगे, कि आपको सर दर्द होने लगता होगा और आप कहते हो कि भाई अब फ़ोन रखो, मुझे खुद को खुद समझ नहीं आ रहा। अच्छी खासी सीधी साधी बात को तुमने झगड़े का मोड़ ले लिया, और आप सोचते होंगे कि हाँ बस ब्लॉक करके 2 मिनट बात कर लेते, इतनी बात करी इतनी देर तक, और आखिरी में नतीजा क्या निकला, झगड़ा। ऐसे मुझे आपकी पार्टनर का बिहेवियर लग रहा है ना। द गार्डन एट द गेट, मैंने डेक उल्टा पकड़ा है हमेशा की तरह। मैं इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हूँ जब कुछ अच्छा निकल कर आता है ना, कि मैं हमेशा ये डेक उल्टा पकड़ लेती हूँ। चलिए, द गार्डन एंड द गेट, आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी, कुछ नेगेटिव चीज़ें दूर होकर ऊपर वाला है ना। अगर मैं यहाँ देखूँ तो आपके पार्टनर भी ना अपनी ज़िंदगी में उदास है, वो भी खुशियों का वेट कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता नहीं, मेरे पार्टनर ने तो बहुत ही ज़्यादा थर्ड पार्टी के साथ खुशियाँ मना रहा है वो, तो आप बेफिक्र रहिएगा, कहीं ना कहीं से उनको कर्मा मिलेंगे, थर्ड पार्टी उनको अलग कर देगी अपने आप से। यहाँ पर हमारे पास विक्ट्री का कार्ड, और यहाँ पर हमारे पास थर्ड चक्र आर्कएंजल चैम्फुल, उनके हार्ट चक्र के ऊपर वर्क कर रहे हैं एंजल्स। आप दोनों को और आपके रिश्ते को
आपके पार्टनर अगर आपके पास आते हैं तो उन्हें विक्ट्री मिलेगी। अगर वो जो भी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपके पास आने के लिए, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी देने के लिए, तो उनको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। और आप अपनी विक्ट्री चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, तो आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। आर्कएंजल चैम्फुल आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बनाए हुए हैं। एक्शन देख लीजिए, विक्ट्री एंड एक्शन, इन कार्ड्स को मैनिफेस्ट कीजिए। आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। द गार्डन एंड द गेट, विक्ट्री, आर्कएंजल चैम्फुल की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर, फिर है नंबर 17 एक्शन। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ होने वाली है, पॉजिटिविटी आने वाली है, नेगेटिव चीज़ें अपने आप चली जाएंगी, पीछे छूट जाएंगी। आगे जो एनर्जीज आएंगी आपकी लाइफ में, जो एंजल्स देंगे, वो सिर्फ पॉजिटिविटी होगी, नेगेटिव कुछ नहीं होने वाला है आपकी लाइफ में, सब कुछ पॉजिटिव होगा। थोड़ा आपको सब्र रखना पड़ेगा, ऊपर वाले पे भरोसा रखना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं ना मैम कुछ नहीं हो रहा है, इतने दिन हो गए, उन्हीं को मैं बता रही हूँ कि सब कुछ अच्छा होगा। थोड़ा सा सब्र रखना, नेगेटिव मत होना, उम्मीद मत छोड़ना। अगर हम बीमार हो जाते हैं, थोड़ा फनी सा है हमेशा के लिए मेरा एग्जांपल, बीमार हो जाते हैं तो टैबलेट लेते हैं ना, ये सोचते हैं टैबलेट लेने से ठीक हो जाएंगे, बीमार ही तो नहीं पड़े रहते। तो कुछ तो आप कोशिश कीजिए, भरोसा रखिए। टैबलेट के ऊपर हम, छोटी सी के ऊपर हम भरोसा कर लेते हैं, तो हम ऊपर वाले पे तो भरोसा कर ही सकते हैं कि वो नेगेटिव चीज़ें हटा देगा और पॉजिटिव करेगा। ठीक है गाइस, तो ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने 11/11 देखा है, ऊपर वाला बहुत सारी खुशियाँ दे, और हमेशा पॉजिटिव रहें, नेगेटिव कुछ भी नहीं सोचें। बाय बाय, टेक केयर।